हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक। आज हमारा है लाइव। आज का लाइव का टॉपिक आप लोगों ने चुना है, आप लोगों ने चुना है टॉपिक जिसका नाम है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। जी हाँ, आप लोगों के लाइफ में स्टाइल का प्रॉब्लम है, इसलिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। जी हाँ, जब स्टाइल नहीं होता लाइफ में तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। और आप ही सर, स्टाइल का मतलब ये नहीं है कि आप स्टाइल वाली मूवी देखें और साहिल खान के जैसे स्टाइल मारे। यहाँ बात हो रही है कि कैसे जीना है, कैसे जीना है और क्या क्या करना है। अगर आपकी लाइफ में स्टाइल नहीं है, लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम है, अगर आप एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, अगर आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, चल फिर नहीं पाते, दौड़ भाग नहीं पाते, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताइए। कोई मर जाएगा क्या, क्या हो जाएगा? जी हाँ, बहुत कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आज आपको पता चलेगा कि क्या हो जाएगा। और यही आप 5-10 मिनट आपको जरा हम टिप्पणियां देंगे कि अगर आपने सही प्रकार से अपनी लाइफ और स्टाइल को ठीक नहीं किया तो क्या हो जाएगा, और उसके बाद आपके सवाल लेंगे। तो दोनों जगह लाइव एक साथ है, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं और यूट्यूब पे भी है, तो दोनों जगह जाके आप देख सकते हैं। अगर जहां पे भी आपको सही लगे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ओके, हाँ, तो शुरुआत करते हैं लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। देखिए क्या है, क्या हो जाएगा, पहले समझिए इनएक्टिव लाइफस्टाइल होता क्या है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो इंग्लिश में बोलते हैं काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब है कि एक्सरसाइज नहीं करना। जहाँ पे कुर्सी मिली, जहाँ पे सोफा मिला, आप बैठ गए, आपने एक्सरसाइज नहीं करी। आपकी जितनी भी पिक्चर, मतलब आप ये देखिए कि आप अपनी पिक्चर्स निकाली, फोटो निकाली, आप अपनी अपने पिछले एक साल भर की फोटोज निकाली, जितनी फोटो हैं आपकी काउच पे है, बैठे हुए हैं। तो वो भी होता है, एक तरीका है कि आपकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। आप जब मौका मिले तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, मौका ही नहीं मिलता या टाइम ही नहीं मिलता, दिक्कत ये है। या फिर आप उल्टा सीधा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते, बाहर का खाते हैं। सो देयर कैन बी सो मैनी प्रॉब्लम्स इन द लाइफस्टाइल। सो क्या करें, लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम क्या आती है? देखो, नंबर वन चीज़ें ये बात याद रखिए, इनएक्टिव लाइफस्टाइल या सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स और एक्टिव लाइफस्टाइल वाले में, दोनों में एक सबसे बड़ा फ़र्क होता है कि इनएक्टिव लाइफस्टाइल वाला अपने पूरी दिन में कैलोरीज कम बर्न करेगा। कैलोरीज कम बर्न करेगा मतलब मोटा होता जाएगा, धीरे 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 गेन वेट, और मोटापे के साथ लिटरली लाखों बीमारियाँ आएंगी। लिटरली लाखों बीमारियां, बोलने की बात ही नहीं है, शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, अटैक वटैक सब आएगा इसके साथ में, ठीक है। सो एक छोटी सी चीज़ की नहीं, एक्टिव रहना आगे आपको किस तरफ लेके जा रहा है ये आप सोचिए। नंबर दो, आप अपने मांसपेशी, आपके मसल्स, अगर आप थोड़े से भी बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं और मसल्स आपके एक्टिव नहीं हैं, तो आप मसल्स की स्ट्रेंथ, उसकी इंड्योरेंस खो बैठेंगे। मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उतना ताकत नहीं रहेगा जितनी है। आज आप जवान हैं, आज आप मिडल एज में हैं, आज आप सामान उठा पाते हैं, अगले बार आपने सामान उठाया आपकी पीठ अकड़ जाएगी, पीठ में दर्द हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, रात भर आप कड़हाते रहेंगे। ये होता है कईयों के साथ। आप सोचते हैं भाई मैंने क्या किया, आपने क्या नहीं किया, आपने रेगुलर एक्सरसाइज नहीं की, रेगुलर उठा पटक नहीं की, जिसके लिए आपका शरीर बना है। आपका शरीर नहीं बना है कुर्सी में बैठ के हमारे समान वीडियो बनाने के लिए, आपका शरीर बना है बाहर दौड़ने के लिए, आपका शरीर बनाया है भगवान ने दी गई कुदरत में ऊपर नीचे कूदने के लिए, पहाड़ झाड़ चढ़ के फल खाने के लिए, नीचे दौड़ने के लिए, कूदने के लिए। लेकिन ये सबको नहीं बोल रहा कि मैं झाड़ चढ़ो, पहाड़ चढ़ो, बट द पॉइंट इज फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। बहुत जिस उम्र में आप हो उस उम्र के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, आपकी क्षमता के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। नहीं करोगे धीरे धीरे कमजोर होते जाओगे, कमज़ोर होते जाओगे, लिटरली आपके अंदर बीमारियां आएंगी, आपके अंदर मिनरल डेफिशिएंसीज कंटेंट आपके, क्योंकि बोन जरूरत ही नहीं है। बोन को ताकतवर होने की ज़रूरत क्या है अगर बोन को कुछ झेलना ही नहीं है? वेरी सिंपल, आपके शरीर ऐसा है जितना ज़्यादा उसको एक्सपोज करोगे उतना ज़्यादा सख्त बनेगा, जितना कोमल बना के रखोगे उतना कोमल बनेगा। ये सिंपल सा फंडा है, राइट? तो वो एक्सपोज धीरे धीरे करना ज़रूरी होता है। तो आपकी बोन्स कमज़ोर होंगी, आपकी बॉडी के मसल्स वीक होंगे, यहाँ तक कि अगर आप दिमाग की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो दिमाग भी कमज़ोर होगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही आपको
हड्डियां कमजोर तो बहुत सबसे मेजर प्रॉब्लम है, इसीलिए 60-70 की उम्र तक ही लोगों की हड्डियां टूट जाती है। पहले जमाने में 80 साल के बेचारे बहुत सारे लोग हेल्दी हेल्दी घूमते थे, हल चलाते थे वो करते, आज के डेट में 60-70 में हड्डी तोड़ के या तो ये नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं या हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं या हड्डियों में लगाए पड़े हैं इंजेक्शन, है ना, क्या फायदा हो रहा है ना, सब वही प्रॉब्लम है। फिर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है एक्टिविटी पे। लोग सोचते हैं, मेरा मेटाबॉलिज्म का वीडियो देखा तो आपको समझ में आएगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं है मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म के बहुत ज़्यादा फंडे खराब है लोगों के, बट देन आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा अगर आप एक्टिव नहीं है, आपकी इम्यून सिस्टम स्लो हो जाएगा, आपको बीमारियाँ जल्दी, इन्फेक्शन जल्दी होगा, सर्दी जल्दी होगी, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, तो कुछ हीलिंग होनी है वो कम या जल्दी हीलिंग नहीं होगी, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, कोई भी चीज़ हो वो प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी कर देगी, यहाँ तक कि हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, फीमेल्स को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम, मेल्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये सारी प्रॉब्लम, जी हाँ नाइट फॉल्स, जी हाँ ये सारी चीज़ें, नाइट फॉल्स तो नहीं बट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लो लिबिडो, इंटरेस्ट नहीं आना, ये सब लाइफस्टाइल के वजह से होते हैं। और लाइफस्टाइल करेक्ट करे बगैर आप इन सबसे तब परमानेंट निजात नहीं पा सकते। सो क्या क्या बीमारियां होती हैं थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, रेगुलर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, तो मोटापा, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, आपको होगा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, मतलब प्लेट सजा के हम लिख के दे देते हैं मेन्यू कार्ड में आज के डेट में, एक तरफ ये चुन लो या ये चुन लो, ठीक है, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, स्ट्रोक, आपका हो गया हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, जी हाँ कैंसर होते हैं मोटापे के साथ, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, ये मोटापे के साथ रिलेशन है इसके। और अगर आप एक्चुअल लाइफस्टाइल में गलत चीज़ें ले रहे हैं, यहाँ तो आपने गलत चीज़ की बात ही नहीं करी, हम तो सिर्फ एक्सरसाइज और उसकी बात कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हो आप, मान लीजिए आप स्मोकिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप दारू ज़्यादा पी रहे हो, स्मोकिंग इटसेल्फ लंग कैंसर, आपके लिटरली हर प्रकार का कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर, डायबिटीज, सब का रिस्क स्मोकिंग बढ़ाता है। एक अकेला अगर आप स्मोकिंग बंद कर दो तो आधी आपकी जंग जीत जाओगे, लेकिन जो लोग स्मोकिंग नहीं करते वो लोग अगर पोल्यूशन में घूमते हैं, बाइक में घूमते हैं मुंह खोला रख के और बड़े ट्रैफिक के एरिया में, दिल्ली जैसी शहरों में, तो आपके लिए स्मोकिंग के बराबर नुकसान है, आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी, यहाँ तक कि गलत लाइफस्टाइल के चलते आपको एनजाइटी, आपको डिप्रेशन, आपको पाल्पिटेशन, आपको घबराहट, मांसपेशियों में जकड़न, सूजन, ये सब हो सकती है, बार बार इधर उधर दर्द होता है, ये सब भी हो सकता है। सो आप अपनी जिंदगी को दाव पे लगा रहे हैं अगर आप सही तरीके से नहीं जी रहे। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई साहब, है कि नहीं, 7 मिनट में ऐसी बात कह दी जो आपको पता थी लेकिन आप फिर भी सुनना चाहते थे, है कि नहीं, सुनना चाहते हो और समझना चाहते हो कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब भाई सोचोगे कि करे क्या, हम करे क्या, पहले तो एक बात याद रखो, एक दिन में पहाड़ किसी ने नहीं उठाया और एक दिन में बदलाव पूरी तरह से कभी नहीं आएगा, स्टार्ट स्लो। प्रॉब्लम यह है कि हम सीधा जीरो से लेके चाहते हैं आज मैं जिम जाना शुरू करूंगा, 1.5 घंटा रोज एक्सरसाइज करूंगा और आज से सब कुछ खाना बंद, भैया एक चीज चेंज करो, चेंज योर, चेंज योर लाइफ वन एट अ टाइम, एक चीज ऐसी डालो जो हमेशा करोगे, हमेशा करोगे वो चीज डालो, तो आप एक चीज, जैसे मान लो आज से मैं शुगर खाना बंद कर दूंगा, शक्कर खाना बंद कर दूंगा, ये एक चीज करो, पहले वो कंफर्टेबल हो जाओ उसमें, वो हो गया, फिर ऐड वन मोर थिंग, आज से हम ऐसा करेंगे, जब उठेंगे, उठने से पहले जो है उठें तो अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लेंगे, भाई जानवर भी करता है हमें क्या दिक्कत है, स्ट्रेचिंग कर लेंगे, स्ट्रेचिंग करके 2 मिनट के लिए कूदा फांदी कर लेंगे, हाथ पैर खोल लेंगे, इतना करने में क्या जाता है कि नहीं, बताइए, जानवर भी करता है कि नहीं करता है, डॉगी होगा समझ में आएगा आपको, जैसे ही उठता है उठते सार, जितनी बार लेटा उठा उठने, एक स्ट्रेच करनी करनी है, पागल थोड़ी है, उसको भी समझ में आता है कि मैंने एक्सरसाइज करनी है तो मुझे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग है, हम क्या करते हैं सीधा, अरे मैं लेट हो गया उठा है क्यों नहीं, मुझे पहले फटफट नहा के फटफट कपड़े पहन के स्प्रे मारो भागो, ये नहीं करना होता, ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जरूरी है, थोड़ा सी एक्टिविटी जरूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, क्यों बच्चों को पीटी सिखाया जाता है, क्या लेना देना ऐसे ऐसे हाथ ऊपर नीचे करके, क्या जिंदगी बन जाएगी, नहीं, वो चाहते हैं कि आपको पता हो कि कम से कम सुबह शाम ये करना चाहिए, क्या आप करते हो, आप स्कूल में नहीं रह गए तो करते हो, नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्या जाएगा, कितना मिनट लगेगा बताइए, पानी गर्म हो रहा है ये कर लो, वो टीवी देखते हुए कर लो, टीवी देखते हुए कर लो, मैच देखते हुए कर लो, क्या दिक्कत है, कर लो, चेंज मारो, थोड़ा सा चेंज मारो, ठीक है, जो काम करते हो थोड़ी स्पीड में करो, जो काम करते हो, मान लीजिए आपको सीढ़ी मिल गई, आप सीढ़ी चढ़ लो, मान लो आपका मन नहीं है सीढ़ी चढ़ने का और एक फ्लोर चढ़ लो, 2 फ्लोर बाकी लिफ्ट में चल जाना, मान लो सीढ़ी
चढ़ रहे हो, रेगुलर सीढ़ी चढ़ते हो, थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, अपनी बॉडी की क्षमता को चैलेंज करो। माइंड में ये पॉइंट रखना है, हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा शरीर बड़ा हो रहा है ना, वो मैच्योर होना चाहिए, उसमें और ताकत आनी चाहिए, ना कि भाई अब मुझसे चलना नहीं होता। एक उम्र के बाद समझ में आता है, 50-60 के बाद समझ में आता है, लेकिन 30 साल के, 40 साल के लोग, 45 साल के लोग आते हैं यहाँ बैठ के कहते हैं सर वीकनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है। ये है हमारे इंडिया की या पूरे देश, पूरे पूरे वर्ल्ड की सच्चाई कि हम खुद को नहीं पता हमें खुद की केयर कैसे करनी है। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भरी पड़ी है। घर में काम करो, हाउस होल्ड वर्क करो, यार्ड में करो, गार्डन में करो, जो करना है करो। टीवी देख रहे हो तो अपने हाथ पैर हिलाओ, कोई वजन ले लो, वजन उठाओ। घर में आटा डालना है, रोटी रोटी पक रही है, राइट, रोटी लेके आनी है, उठ के चले जाओ, बहाने ढूंढो भाई साहब। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, बहाने ढूंढो चलने के, नो प्रॉब्लम, राइट। हाथ पैर भी हिलाओ, राइट, आप वो फ़ोन करते हुए चलो, वॉक व्हेन यू टॉक काइंड ऑफ थिंग कर लो। आप पड़ोस में जाना है, इधर उधर जाना है, छोटी सी दुकान में जाना है, लाना है, चले जाओ। कार मत निकालो, पोल्यूशन कम करो, साइकिल चला लो, साइकिल ले लो, बच्चों के साथ एक्सरसाइज, बच्चों के साथ खेल लो भैया, बच्चे किसके नहीं है, बच्चों के साथ खेल लो, 5 मिनट का गेम खेल लो, 5 मिनट की डांस कर लो, बेस्ट एक्सरसाइज है। मैं नहीं कह रहा 1 घंटा एक्सरसाइज करने को, जिम जाने को, आप में से कई लोग होंगे जो 2 घंटा सैर करते होंगे, 2 घंटा सैर बेकार है, 2 घंटा सैर बेकार है, उसके जगह 10 मिनट की डांस कर लो अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आपको फिजिकली चैलेंज करना है शरीर को, सैर नहीं करनी है। मैं समझता हूँ लोग कह रहे मुझसे नहीं होता, भाई आज नहीं होता है, आपसे पूरा डांस नहीं होगा, थोड़ा सा तो होगा, बच्चे खुश होंगे, आपका मन खुश होगा, फिजिकल एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन वहां से शुरू होता है, राइट। 2 घंटे के लिए सैर करने के लिए वक्त है तो इस चीज़ के लिए भी वक्त निकालो कि आपको कैसे अपनी लाइफ में ना सिर्फ हेल्दीनेस बल्कि हैप्पीनेस घुसानी है, राइट। और बाकी तो बहुत कुछ है भैया, काम में जाते हो 8-8 घंटे बैठते हो, सुबह से शाम तक मेरा 8 घंटे का काम है मुझसे, भाई मैं जब 2 पेशेंट हो जाए ना, 2-4 पेशेंट हो जाए, मेरे से फिर बैठा नहीं जाता, मुझे उठना पड़ता है, 2 मिनट उठ के आऊँगा भाई, खड़े तो होऊंगा मैं, मुझसे 1 घंटा लगातार एक कुर्सी पर नहीं बैठा जाता, मुझसे तो नहीं बैठा जाता, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड पता है कि ज्यादा देर इंसान बना ही नहीं है बैठने के लिए। यू आर नॉट सपोज टू सिट आइदर यू, बिकॉज इफ यू आर सिटिंग यू आर पुटिंग अंडू प्रेशर ऑन योर बैक, ऑन योर दिस थिंग। सिटिंग का पोस्चर हमेशा सही रखना मुश्किल होता है, राइट। यू हैव टू स्टैंड आउट, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, बैक स्ट्रेट करो, स्ट्रेच करो, वापस अपनी पीटी करो। भाई पीटी करने में क्या है, राइट, पीटी करने में क्या दिक्कत है, हाथी तो स्ट्रेच कर रहे हैं। बॉडी बिल्डर्स करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं, बॉडी इच करती रहती है उनकी, राइट, उनकी पोस्चर मेंटेन होती है, पोस्चर खड़े होकर इंपॉर्टेंट है, ये सब करो, राइट। छोटी छोटी चीज में, ऑफिस है, ऑफिस में 1-2 घंटे में एक बार चाय तो पीते हो ना, चाय लेके आ की जगह जाके लेके आ जाओ, राइट। दूसरे को कहना पानी पिला दे की जगह पानी पी के आ जाओ, राइट। 1-2 घंटे में 1 मिनट का गैप ले लो, राउंड मार के आ जाओ, देख लो क्या चल रहा है ऑफिस में, सीनियर हो तो ये देख लो, जूनियर हो तो देख लो, क्या दिक्कत है, इससे क्या हो जाएगा, एक्टिव रहोगे, बढ़िया रहोगे, खुश रहोगे, है कि नहीं। सीढ़ियां हैं ऑफिस में तो उतर जाओ, चढ़ जाओ, फिजिकली अपने बॉडी को चैलेंज करो और पूरे दिन भर चैलेंज करो। डोंट थिंक कि मैं जिम जाऊंगा, आज से जाऊंगा, जिंदगी भर जा पाओगे, मैं नहीं जा सकता, मेरी लाइफ ऐसी है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ यूट्यूबर, मैं को नहीं लगता मैं जिंदगी भर जिम जा पाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं बहाने ढूंढता हूं। आपको ढूंढना पड़ेगा बहाने काम करने के लिए, चैलेंज योरसेल्फ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। बाकी तो भाई जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम आपके सवाल ले लेते हैं, 10 सवाल, और बाकी सब ठीक है, ऑल राइट। बाकी लाइफस्टाइल के ऊपर यही था बोलने वाली चीज़ें। ओके, आई हैव नो आइडिया वेयर डिड इट स्टार्ट, बट स्टिल मैं 1-2 सवाल ले रहा हूँ बीच में से, और फिर मैं ये शुरू करके देखता हूँ यूट्यूब के मेरे उसमें से कि कौन ने पहला सवाल पूछा था, राइट। सो आप लाइफस्टाइल के लिए, लिवर पे नहीं, लाइफस्टाइल के लिए सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर पता नहीं अब लाइफस्टाइल पे कैसे कोई सवाल पूछेगा, खैर, अगर स्मोक करते हैं और वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो स्मोकिंग रोकना बिना किसी दूसरे एडिक्शन के बहुत मुश्किल है। दूसरा एडिक्शन का मतलब है कि आपको चाहिए एक चीज़, एक हॉबी, एक वो चीज़ जो आपको उस चीज़ से दिमाग हट जाए, है ना। अगर आप खेल रहे हैं, खेल कूद सकते हैं, खेल में कूद जाइए, खेल में कूद जाइए। अगर आप जॉगिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर आपको कोई हॉबी है कुछ करने की, कुछ लिखने की, कुछ पढ़ने की, कुछ बनाने की, कुछ गाने की, कुछ नहाने की हॉबी नहीं, कुछ और करने की, तो वो करिए। इट्स वेरी वेरी गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट।
चलो ये हो गया। और दूसरा सवाल ले लेते हैं, डॉक्टर साहब, शुगर लेवल इज कनेक्टेड टू फैटी लिवर? यस, इट इज कनेक्टेड टू फैटी लिवर, बिकॉज जितना ज्यादा शुगर होगा उतना ही लिवर में फैट जमा होगा, और उतना ही लिवर का ग्लाइकोजन लेवल जैसी भर जाएगा वैसे ही फैट जमा होगा, तो शुगर लेवल इज कनेक्टेड टू दिस थिंग। इफ आई आई क्विट स्मोकिंग आफ्टर स्मोकिंग 20 ईयर्स, क्या? आई क्विट स्मोकिंग आफ्टर स्मोकिंग फॉर 20 ईयर्स। वेरी गुड भाई, दिस इंडियन के लिए ताली बजेगी। 20 साल स्मोकिंग के बाद अगर स्मोकिंग छोड़ी है, ताली आज बजेगी, लेकिन 20 साल के लिए बहुत गलत बात है। स्मोकिंग वाला वीडियो देखे, 20 साल में कितना नुकसान होता है, ठीक है? और इन भाई साहब को रिस्क अभी भी रहेगा, लेकिन वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जैसे जैसे स्मोकिंग बंद करी है कम होता जाएगा, राइट? ओके, देन लाइफस्टाइल में योगा कितना इम्पोर्टेंट? योगा से ज़्यादा ज़रूरी है ब्रीदिंग। योगा के लिए टाइम नहीं है अगर, तो ब्रीदिंग करो। योगा के लिए टाइम है, योगा इज इक्वल टू मेडिटेशन, तो योगा इज वेरी गुड। मेडिटेशन करो, सांस लो, ब्रीदिंग में कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके ब्लड में, आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन खून में जा रहा है वो ब्रीदिंग से जा रहा है। तो जैसे जैसे आप ब्रीदिंग करोगे वैसे वैसे आपके खून में और ऑक्सीजन जाएगा और हर जगह सप्लाई होगा। और योगा क्या है, और बाकी योगा पीटी है कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे खड़े हो जाओ, वैसे खड़े हो जाओ। अल्टीमेटली मसल्स को थोड़ा चैलेंज हो रहा है, पोस्चर को चैलेंज हो रहा है, अल्टीमेटली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो रही है। यही चीज आप दिन भर करो, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो कि नहीं? व्हाई एम आई सो अट्रैक्टेड? भाई साहब मनीष जी, कैसे सवाल है? अच्छा देखो, तो लाइफस्टाइल का सवाल है, व्हाई एम आई सो मच अट्रैक्टेड टू मैरिड गर्ल्स नॉट विद अनमैरिड? आपको एक साइकोलॉजिस्ट की बहुत ही तेज आवश्यकता है, साइकोलॉजिस्ट से बात करिए, क्योंकि ये बताना बहुत मुश्किल है कि व्हाई आर यू अट्रैक्टेड टू मैरिड गर्ल्स, ये कैसा सवाल हुआ? ओके 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 ओके। पैरों में वाइब्रेशन सेंसेशंस आर नसों का प्रॉब्लम ज़्यादातर, वाइब्रेशंस एंड ऑल, ये नर्व्स हैं, नर्व्स में वीकनेस हो जाए तो पैरों में इस तरीके के वाइब्रेशंस आ सकते हैं। आपको चाहिए डायबिटीज़ और B12 की डेफिशिएंसी के लिए आप चेक करिए, अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कराइए, तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये क्या आ गया? अच्छा ये तो वो है। ओके, अब मुझे निकालना पड़ेगा यूट्यूब। चलो ठीक है। कॉक्सीडीनिया, कॉक्सीडीनिया का मतलब होता है आपके हिप, टेल बोन में आपको हो रहा है पेन। टेल बोन में पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको एक बार आप अपना बोन स्कैन करा के देखिए, अगर बिना चोट के वहाँ पेन हो रहा है, अगर चोट लगी है तो फिर भाई साहब चोट को हील होने के लिए समय दीजिए और कुछ नहीं करेंगे आप। और हमने अब खोल लिया है ये, अब हम इसको लगी है तो फिर भाई साहब चोट को एक हील बार होने के इसको लिए समय हम दीजिए। टॉपिक आप लोगों ने चुना है, आप लोगों ने देखो, ये भी होता है, मतलब देखिए कोई लोग कहते हैं भाई स्टार्टिंग से नहीं चूज कर रहा, मैं जब भी खोला है और स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं इसको, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? स्टार्टिंग से देख रहा हूँ और मैं स्टार्ट में जा सकता हूँ फिर इसके चलते, और स्टार्ट में जाके हम देखेंगे कि आपने कौन से सवाल दिए हैं। सवाल मैं ले रहा हूँ, डेली नाइटफॉल हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जनाब, हमने हमेशा बताया किसी नसों की प्रॉब्लम या किसी चीज़ से नहीं होता है, नाइटफॉल हो रहा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई चीज़ें बाहर आ रही हैं, कृपया अपने भरी हुई चीज़ों को बाहर खुद ही निकाल लीजिए, ठीक है? हितेश यादव, नोज ब्लीडिंग हो रही है, नोज ब्लीडिंग के ऊपर एक वीडियो अलग से बनेगा, लेकिन नोज ब्लीडिंग पे आप हमारा एक उसमें भी बेसिकली आपको अपना ब्लड प्रेशर और ENT चेकअप कराना है, अगर नोज में एक तरफ की नेजल डेविएशन है उसके वजह से नोज ब्लीडिंग होती है। ऑलराइट, फंगल इन्फेक्शन के ऊपर वीडियो ऑलरेडी है। पैनिक्स अटैक्स आते हैं, क्या दवा बंद होगी? जी देखिए, पैनिक अटैक के लिए आपको अगेन ये लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैनिक अपने दिमाग के एनजाइटी है, अगर दिमाग के अंदर एनजाइटी बहुत ज़्यादा है तो उससे पैनिक अटैक्स बहुत ज़ोरदार आते हैं। मेरी मॉम को गैस प्रॉब्लम रहती है बॉडी में, एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ना, इसमें दिख ही नहीं रहा है कि पहला क्वेश्चन किसका था किसका नहीं था। एनी वेज, आई एम स्टार्टिंग टू आंसर द क्वेश्चन एनी वेज। सर, क्या स्टेम सेल्स इंजेक्ट करने से एंकलोसिंग स्पॉन्डलाइसिस क्योर हो सकता है? जी नहीं, नहीं होगा, कृपया ऐसे कोई गलत अभी तो नहीं है, ऐसा कोई है, आगे चल के ऐसा कुछ आएगा तो बात अलग है, लेकिन अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है फिलहाल, राइट? एक पेड सवाल आया है, वो भी अभी हम सवाल का जवाब दे देते हैं। पेड सवाल के जवाब में, पेड सवाल को कैसे ढूंढा जाए, कैसे ढूंढा जाए, ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। दूसरा सवाल, एनी क्योर फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस? मल्टीपल स्क्लेरोसिस नीड्स प्रॉपर लाइफ स्टाइल, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, बाकी बहुत मेजर मेडिकेशंस चलती हैं उसकी, बिकॉज इट्स इट्स अ
स्क्लेरोजिंग थिंग, तो आपको अल्टीमेटली लाइफ, आपके पूरे शरीर में धीरे 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 स्क्लेरोटिक चेंजेस आ रहे हैं, हर एक टिश्यू, ब्रेन और ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। सो एक अच्छी लाइफस्टाइल को ही फॉलो करना पड़ेगा। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊंगा। और आप मेरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी हद तक लाइफस्टाइल अच्छे से समझाई है। डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ अ फिट बॉडी, प्लीज़ टेल, कैसे हम कहेंगे कि ये पर्सन फिट है? देखिए, फिटनेस कम्स फर्स्ट हियर एंड देन हियर, ठीक है? फिटनेस इज़ फर्स्ट हियर देन हियर। द प्रॉब्लम इज इफ़ यू फील यू आर फिट, दैट्स इट। वाह क्या बात है, इफ़ यू फील यू आर फिट दैट्स इट। वेन यू स्टार्ट फीलिंग, और सबसे बड़ी चीज़ है डोंट लाई टू योर सेल्फ, सबसे बड़ी चीज़ है डोंट लाई। इफ़ यू फील यू आर फिट एंड स्टिल खांसी आ रही है, मैं ठीक हूँ, वो झूठ है, राइट? मेरे को सांस फूलेगा, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा इफ़ यू फील यू आर फिट, इफ़ यू फील यू आर सिक, एक्नॉलेज इट एंड गेट टेस्टेड। ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक बोल देना कि ये गलत विश्वास अपने मन में रखना, मुझे कुछ नहीं, वैसे कुछ नहीं होता, ठीक है? इफ़ यू फील यू आर फिट का मतलब ये है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन कर सकता हूँ, राइट? सो फिटनेस का ये है, पतले रहना फिट नहीं है, कम वजन होना फिट नहीं है। कई लोग ज़्यादा पतले हैं तो बहुत ख़राब हो जाते हैं, उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है। एक आइडियल वेट कैटेगरी में रहना, नॉर्मल वेट रहना, ज़्यादा बुरी आदतें नहीं करना, एक्सरसाइज कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने फैमिली को टाइम दे पाना, हंसना, खुश रहना, शीशे में देख के दूसरे के जगह खुद को लगना कि हाँ ये चेहरे पे ग्लो है, हाँ ये इंसान खुश है, वो फिटनेस है। और कोई फिट बॉडी नहीं होती। बॉडी इज़ नॉट सपोज टू लिफ्ट वेट्स हियर। बॉडी इसलिए नहीं बनाई भगवान ने कि बेटा जाके 400 किलो नहीं उठाया तो लानत है तेरी जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं बनाया भगवान ने। भगवान ने नहीं बनाया आपको वजन उठाने के लिए, वजन भगवान ने बनाया है ये सब काम करने के लिए। तो काम करो, एक्टिव रहो, है ना? अगर एक बॉडी बिल्डर है वो अपने घर के अंदर सामान उठा के दूसरे को नहीं देता, घर के काम में मदद नहीं करता, तो क्या है फ़ायदा? बात समझ ली, बात समझिए, इट्स वेरी सिंपल, राइट? घर में आटा है, आटा दूसरे में डालो, उसमें क्या बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं ये निकाल के दो, निकाल के दो। घर वाले बोलते हैं पंखा साफ करो, करो, कोई बात नहीं यार, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, एनीवेज, बिजी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी कैसे मेंटेन करें, यही बताया है पहले 10 मिनट में, जाके बात कर, सुनिए हमारी। ओके सर, प्लीज़ लाइपोमा का इलाज और रीज़न बताएं। लाइपोमा पे फुल डिटेल वीडियोस है हमारे भाई साहब, एक बार लाइपोमा बाय डॉक्टर एजुकेशन लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत सारी जगहों पे बहुत बार समझा चुका हूँ लाइपोमा, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। लाइपोमा का रीज़न ढूंढिए और कृपया उसका ऑपरेशन करा लीजिए अगर बहुत दिक्कत हो रही है। हार्ट ब्लॉकेज का डाउट है, क्या एक्सरसाइज करना ठीक है? जब जिसको हार्ट ब्लॉकेज है और वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो भाई साहब मेरे तरफ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, ठीक है ना? जिसको हार्ट ब्लॉकेज है वो जाके मेरा नेचुरल बाईपास वाला वीडियो देखिए, जहाँ एक जगह ब्लॉकेज होती है, हमने 25 बार समझाया, हर एक को वीडियो दिखा दिखा के, फोटो दिखा दिखा के समझाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ ब्लॉकेज हो गया, क्या इसके पीछे खून की नसों की ब्रांचेज नहीं है? है। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा तो आगे पीछे का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। जब वहाँ पे ये खून की नसें हैं आजू बाजू की, दूसरी जगह यहाँ ब्लॉकेज है, तो वो दूसरी नसें बढ़ने लगती हैं, वहाँ की नसें और बड़ी होकर वो आगे जहाँ ब्लॉकेज हो रहा है वहाँ के खून के एरिया को सप्लाई कर देती हैं। अगर मात्र आप रेगुलर एक्सरसाइज करो और अच्छी डाइट खाओ, तो अच्छी डाइट, प्रॉपर प्रोटीन चाहिए तभी तो वो बढ़ेगी, तभी तो वो बनेगी। उसके बाद एक्सरसाइज चाहिए, किसकी? पैरों की। पैरों में सेकंड हार्ट है, सेकंड हार्ट आपकी काफ मसल्स हैं, उसको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, इसलिए पैर चलाइए। अगर खड़े भी हैं, बैठे भी हैं, तो भी काफ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अबाउट गोइंग एंड बिल्डिंग बॉडी मसल, बॉडी बिल्डिंग इज अबाउट गेटिंग फिट। उसके लिए आप इवन अगर बैठे बैठे भी कॉन्ट्रैक्शन करते रहते हो ना, इट वर्क्स फॉर योर मसल्स, मेंटेनिंग योर मसल्स। एनीवेज, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरे टेस्टिकल्स बड़े हो रहे हो तो फिर उसका अल्ट्रासाउंड कराओ, टेस्टिकल्स बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे हो सकते हैं उम्र के साथ, बड़े हो रहे हैं तो उनमें कुछ हो रहा है, ठीक है? ओके देन सर, इफ स्पर्म्स आर रीअब्सॉर्ब देन वी माइट गेट, निखिल कुमार अंकुरोत, निखिल कुमार जी का सवाल, स्पर्म्स आर रीअब्सॉर्ब देन वी माइट गेट एनर्जी फ्रॉम दैट एंड देन वाई टू मैस्टरबेट। भैया खाना भी मत खाओ फिर, है कि नहीं? पेशाब भी मत करो, पेशाब में जितनी सारी चीज़ें हैं उसमें भी एनर्जी है। यू माइट गेट एनर्जी फ्रॉम, जो आप लैट्रिन करते हो ना, वो मोशन करते हो, मोशन को भी अगर उसके अंदर उसको इवेल्युएट करोगे, बहुत सारी एनर्जी है उसमें। सुअर वही खा के जिंदा रहते हैं, व्हाई डू यू पूप, डोंट पूप इट, उसकी भी एनर्जी निचोड़ लो भाई। कैसी बात कर रहे हो यार, हद हो गई,
मतलब सीरियसली ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, कि मैं उसको भी रीअब्सॉर्ब करके एनर्जी मिलेगी। भाई खाना क्यों खाते हो आप? मेरे आपके मेरे या 90% लोग जिनके पेट में जरा सा भी फैट है ना, उनके अंदर एनर्जी ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, ऑलरेडी एक्स्ट्रा भरी पड़ी है, कोई कमी नहीं है आपके अंदर एनर्जी की। एनर्जी और चाहिए तो मैं स्पर्म भी नहीं निकालूंगा, सेक्स भी नहीं करना जिंदगी में, खबरदार। फिर आप जैसे लोग डोंट हैव सेक्स, डोंट हैव बेबीज, यू आर नॉट सपोज टू हैव बेबीज, ठीक है, दैट विल कॉज अगेन द सेम प्रॉब्लम। एक एक स्पर्म को बचा के रखो, ठीक है, मैं तो कहता हूँ आगे से ऐसे धागा बांध दो। सॉरी यार, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट देन ऐसे उल्टे सीधे लॉजिक इज रियली बैड। आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ लॉजिक्स बिकॉज आई हैव बीन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कितनी बार बोलूँ भाई, है कि नहीं? मैंने FAQ चैनल पे पूरी सीरीज बना डाली, जाके देखो वो। ओके, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है सर, बॉडी बनाना चाहता हूँ, यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है, प्लीज गाइड मी। देखिए 90% ऑफ द टाइम यूरिक एसिड प्रॉब्लम इज नॉट बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स, इट इज बिकॉज ऑफ अल्कोहल और लैक ऑफ वाटर। पानी कम पीने की वजह से, दारू ज्यादा पीने की वजह से यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, जाके मेरा यूरिक एसिड वाला वीडियो देखिए। पहला काम करिए, अपना पानी का इंटेक 4 से 5 लीटर कर दो, और 1 महीने 2 महीने 3 महीने बिना दवा के बाद में अपना यूरिक एसिड टेस्ट करा के मुझे बताओ कि भाई साहब यूरिक एसिड कम हुआ कि नहीं हुआ। लिटरली जाके देखो यूरिक एसिड वाला वीडियो। एंड वाटर एंड दिस थिंग्स आर द मेजर प्रॉब्लम। मैं खुद करता हूँ, लोग प्रोटीन नहीं खाते, दूध बंद कर देते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी में चले जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे यूरिक एसिड हो गया। भाई साहब यूरिक एसिड इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज योर लाइफ स्टाइल। यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, यू आर नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। जितना प्रोटीन चाहिए उतना तो खाओ, 200 ग्राम पर डे खाने को कौन कह रहा है? भैया 60 किलो के हो गए तो 60 ग्राम तो खाओ, 60 ग्राम तो चाहिए लिटरली मेंटेन करने के लिए चाहिए, उतना तो खाओ, जीरो मत कर दो। लाइपोमा और यूरिक एसिड वाला मेरा वीडियो ऑलरेडी है, वो जाके देखिए, उसके लिए यूरिक एसिड लाइपोमा दोनों देख सकते हैं, ठीक है। नॉलेज अबाउट माइक्रो नीडलिंग फॉर डार्क सर्कल्स, आई डोंट बिलीव इट विल वर्क। निमृत जी, आई पर्सनली डोंट बिलीव, बट यू कैन टेक जिसके डर्मेटोलॉजिस्ट के ऊपर आप बात कर सकते हैं। आई डोंट बिलीव माइक्रो नीडलिंग विल वर्क फॉर डार्क सर्कल। माइक्रो नीडलिंग कैन वर्क फॉर विटिलिगो, वाइट सर्कल्स, रेदर वो डार्क कर। भाई किसी स्किन के अंदर अगर आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दोगे, स्टिमुलेट कर रहे हो, एक तरीके से माइक्रो इंजरी कर रहे हो, माइक्रो इंजरी करोगे, जहां पे चोट लगती है वो एरिया गाढ़ा हो जाता है, डार्क हो जाता है, तो वहां पे मेलानिन सिक्रीशन बढ़ेगा कि कम होगा? लेजर से अलग चीज है, लेजर अलग चीज है, ये अलग चीज है। सो आई डोंट बिलीव इससे होगा, बाकी डर्मेटोलॉजिस्ट अपने हिसाब से आप बात कर सकते हैं। इंटेस्टाइन स्वॉलोइंग कैन कॉज बैड ब्रेथ डिफिक, सर इंटेस्टाइन स्वॉलोइंग कैन कॉज ब्रेथ डिफिक, ये क्या सवाल था? आधा सवाल धीरज जी, पूरा टाइप क्यों नहीं किया आपने? इंटेस्टाइन स्वॉलोइंग कैन कॉज, इंटेस्टाइन स्वॉलोइंग क्या होता है मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। इंटेस्टाइन स्वॉलोइंग के बारे में मुझे नहीं पता है भाई साहब, मतलब इंटेस्टाइन स्वॉलोइंग नाम की चीज़ नहीं होती, स्वॉलो आप इसोफेगस से करते हैं, मुंह से करते हैं, इंटेस्टाइन से कोई स्वॉलो नहीं करता है ये। ऑलराइट, हाउ टू गेट रिड ऑफ सुपरस्टिशंस, मेरा सुपरस्टिशन वाला वीडियो देखिए, बहुत सारे सुपरस्टिशन मैंने तोड़े हैं। सो मेडिकल रिव्यू वाले सेक्शंस में पहले सीजन है, सीजन 1 में ज़रूर जाके देखिए। थैंक यू अमन नथानी जी, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल। धीरज जी फिर से इंटेस्टाइन स्वेलिंग, आई हैव नो आइडिया, इंटेस्टाइन स्वेलिंग या बैड ब्रेथ या ब्रेथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अच्छा ये बोल रहे हो कि देखिए पेट की किसी भी प्रॉब्लम से ब्रीदिंग प्रॉब्लम तब तक नहीं होती जब तक पेट में पानी ना भरा हो। अगर पेट में एसाइटिस है, बहुत ज़्यादा पानी भरा है, पेट इतना बड़ा हो गया कि आप जब लेट रहे हो तो पानी ऊपर डायफ्राम को धक्का मार रहा है, तो आपको होगा ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वरना अकेले पेट की प्रॉब्लम से वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये हुई बात। ओके, लेमन एंड एप्पल साइडर विनेगर फॉर वेट लॉस, नहीं गजल साहब, इतने दिल डालने से कुछ नहीं होने वाला। लेमन या एप्पल साइडर विनेगर से वजन नहीं कम होता, उससे डाइजेशन बेहतर जरूर हो सकता है। डाइजेशन बेहतर होता है तो आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी का इस्तेमाल अगर आपने लाइफस्टाइल ठीक करने में, एक्सरसाइज करने में किया और खाना उल्टा सीधा खाना कम करने में किया, तो आपका वजन कम होगा। तो ध्यान फोकस कहीं और लगाइए, फोकस आपका वहां नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ लेमन खाना शुरू किया। देखिए एक साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए उनका बेबी स्टेप्स। अब जब बेबी स्टेप लेते हो ना, सुबह उठ के सिर्फ एक बार स्ट्रेचिंग करना शुरू किया ना, आपके माइंड में होता है कि मैंने स्ट्रेचिंग की है, मेहनत की है, क्यों की है? पतले होने के लिए। तो लेट्स नॉट ईट दिस समोसा, लेट्स नॉट डू दिस उल्टा सीधा चीज़,
और वो चीज़ पूरा एक साइकोलॉजी की वजह से आप पतले होते हो। सेम थिंग गोज विद दिस, ये जो जो लोग आपको कहते हैं ना लेमन एप्पल साइडर विनेगर यही खाओ खाते जाओ, सिर्फ इसी से पतले होंगे, सिर्फ इससे पतले नहीं होते। इट जस्ट गिव्स यू वन थिंग गुड। जी हाँ, लेमन खाना अच्छी बात है, एप्पल साइडर के विनेगर खाने में कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन उसको वेट लॉस बोल बोल के पीना गलत है। उसको खाने में डालो भैया, उसको क्या बोलते हैं उसको स्वाद के लिए खाओ डेली बेसिस पे। उल्लू बनाना गलत है लोगों को, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और कोई पॉइंट नहीं है। सर क्या है ये? ओके देन ये मुझे समझ में नहीं आया, खिल के मिंज निकल नर के बाद एसिड जैसे परवाही निकलता है। आई हैव नो आइडिया गोपाल जी क्या बोल रहे हो आप। खिल के MING निकल नई निकल नर NRK, कितना शॉर्ट फॉर्म लिख तो भाई साहब, मुझे नहीं समझ आया क्या बोल रहे हो आप। एनी वेज थैंक यू मिस्टर गुरप्रीत जी। ओके देन वी आर टेकिंग अनदर सवाल। सर मैं भी एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ क्योंकि आई हैव टू स्टडी। वाह, खड़े होके तो हम पढ़ ही नहीं सकते और हम चलते हुए रिवाइज तो कर ही नहीं सकते हैं, और हमने एक हमारे पास 2 मिनट भी नहीं है कि हम सीढ़ी चढ़ लें थोड़ी सी। बहुत पढ़ाई कर रहे हो, 24 घंटे में से 48 घंटे पढ़ाई कर रहे हो आप, ताली बजानी चाहिए आपके लिए। ये कौन सा बहाना हुआ भैया कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सही बात है, अपने बच्चों को भी यही बोलना, बेटा पढ़ाई करना एक्सरसाइज मत करना। जो स्कूल वाले बोलेंगे इसकी ये है ये, वो मनाही करना, कतई मत करना। अपने बच्चों के लिए नहीं करोगे, उनको बोलोगे बेटा नहीं खेलो, फिजिकल एक्टिविटी करो। क्यों? खुद पहले करो, पहले करो, खुद करो। इज इट इम्पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। लेफ्ट साइड के टेस्टिकल्स में थोड़ा बहुत पेन रहता है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? चोट लगी हो सकती है मधुर जी, और कोई दिक्कत नहीं हो सकता वहां पे, कभी कभी टॉर्जन, कभी कभी वेरिकोसील हो सकता है। और मुझे अंदर से बुलावा आ गया है, इसलिए आखिरी 2-3 सवाल लेके हम अंदर जाएंगे, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया और 30 मिनट भी हो गए हैं, और इस सवालों के सिलसिले में तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। इसलिए आप एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हो मधुर भुर्क जी। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर डोनेशंस माय फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड ग्रेट फीलिंग्स नीरज जी, थैंक यू। डिस्क बल्ब ठीक करने के लिए आप हमारा डिस्क वाला वीडियो देखिए, हमने बनाया नहीं है डिस्क वाला, डरा है बनाया है शायद से, सर्वाइकल वाला वीडियो देखो, उससे आपको आइडिया आएगा सर्वाइकल पेन वाला, ठीक है। और पोस्चर इज द बेस्ट फ्रेंड, पोस्चर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। कैन वी लिव विदाउट कार्बोज इन अ लाइफस्टाइल ओनली प्रॉब्लम प्रोटीन? नो, यू कैन नॉट लिव विदाउट कार्बोज नहीं होता, आपको थोड़े बहुत कार्ब जरूरी है, बिना कार्ब्स के रहोगे जीते रहोगे तो देर विल बी सम साइड इफेक्ट्स, ऑल्दो नहीं जरूरी नहीं है, मतलब इट्स पॉसिबल बट यू हैव टू मैनेज दैट, राइट। उसकी नॉलेज होनी, उसको मैनेज करना, रेगुलर टेस्ट कराना, कीटोसिस कितना हो गया, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू कैन सर्वाइव विदाउट, सर्वाइव समझता है, सर्वाइव और लिविंग में फर्क होता है। यू कैन सर्वाइव विदाउट कार्बोहाइड्रेट, यू कैन सर्वाइव विदाउट प्रोटीन्स ऑल्सो, सिर्फ फैट खा के भी सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन सिर्फ प्रोटीन खा के भी सर्वाइव कर सकते हो। दुनिया में सिर्फ पानी पी के भी काफी दिन तक जी सकते हो, जब तक खत्म नहीं हो जाते अंदर से। सो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो करा ही जाए, राइट। लाइफ इज नॉट दैट, बीइंग फिट इज फीलिंग फिट। एनीवेज, चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज में अगर कोई चीज लेके जा रहे हो तो एक ही चीज लेके जाओ, बहाने ढूंढो टू चैलेंज योर सेल्फ फिजिकली। यू आर हियर इन दिस ऑन दिस अर्थ टू डू फिजिकल वर्क।